कृष्णा छलावड़ा। आज हम बनाते हैं स्वीट आइटम चुकंदर का हलवा। तो चुकंदर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये दो नंग चुकंदर लिया है, को हम सबसे पहले काट लेते हैं, इसके छिलके निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने ये चुकंदर के छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। चुकंदर के बारीक कट कर लिया है। अब हम इसको मिक्सी में क्रश कर लेते हैं। ये चुकंदर को हमने अच्छी तरह से ये क्रश हो गया है। अब हम इस बाउल में इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दो नंग चीकू लिया है, इसको भी हम काट लेते हैं, इसकी इसके छिलके निकाल लेते हैं। पे हमने ये चीकू को भी बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 4-5 पेसी जितना खजूर लिया है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्सी में क्रश कर लेंगे। खजूर और चीकू को हमने क्रश कर लिया है। अब हम बाउल में इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे मैंने नारियल का छीन लिया है, वो भी हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ये इलायची पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये चुकंदर का हलवा बना के ये हमारा तैयार है। अब हम इस बाउल में सर्व करते हैं। तो ये हमारा चुकंदर का हलवा बनके तैयार है। और अगर हमें कुछ भी मीठा खाने का मन करता है तो ऐसी स्वीट आइटम हम घर पे बना के खा सकते हैं। और आज तक हमने शुगर वाली कोई भी चीज जो है स्वीट वो बना के खाई है। तो आज हम यहाँ पे मैंने आप ये जो हलवा बनाया है चुकंदर का, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गुड़ भी यूज नहीं किया हुआ है और हनी भी यूज नहीं किया हुआ है। चुकंदर को क्रश करके, क्योंकि चुकंदर में स्वीटनेस रहता है, थोड़ा मीठा होता है। और यहाँ पे मैंने चीकू यूज किया है क्योंकि वो भी स्वीट होता है। और यहाँ पे खजूर लिया है, तो इसका मैंने यहाँ पे हलवा बनाया है। तो आप भी ट्राई कीजिए और बहुत ही टेस्टी बनता है। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।